1466 पर रात्रि क्लास चल रहा था। पहले पेज की मध्यादि में बात चल रही थी। तुम्हारे सामने दुश्मन रावण भी खड़ा है, रावण का चित्र भी है। जरूर चित्र के आधार पर चरित्र बने होंगे। द्वापर युग में भी पहले चित्र बनते हैं या शास्त्र बनते हैं? पहले चित्र बनते हैं, बाद में शास्त्र बनते हैं। और चित्र कहाँ बनते हैं? मोस्टली सारे भारत में चित्र कहाँ बनते हैं? हाँ, वो तो बनते हैं मन बुद्धि में, लेकिन भारत में स्थान कौन सा है? हाँ, खास मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा एलिफेंटा कनेरी आदि गुफाएं जो है वो मोस्टली ज्यादातर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अच्छा, क्योंकि चित्रकारों की चित्रकारी होती है, जो भी कलाएं हैं, जो भी कलाकार हैं, उनकी भावना में बहुत पावर होती है। तो सात्विक स्टेज में वो जो चित्र बनाए थे उनमें फिर भी सच्चाई थी, बाद में उन चित्रों को देख करके शास्त्र बनाए गए। शास्त्र भी पहले सच्चे थे, बाद में जैसे जैसे मनुष्य विकारी बनता गया, उन शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन गलत होता गया। तो रावण का चित्र दिखाते हैं। वैसे भक्ति मार्ग वाले राजाओं का भी दिखावे, मगर उनका सारी दुनिया पर राजी तो है नहीं। रावण का राजी तो सारी दुनिया पर है, और जो भारतवासी राजाएं हुए हैं उनका राज्य सिर्फ भारत में ही हुआ है, इसलिए फर्क समझाया जाता है। क्या फर्क समझाया जाता है? कि भारतवासी राजाओं का राज्य सिर्फ भारत में हुआ है और रावण का राज्य सारी दुनिया में हुआ है। सर्विस में रहेंगे तो मंथन भी चलता रहेगा। ये भी खास बात बताई, क्या मंथन कब चलेगा? सर्विस में रहेंगे तो मंथन चलेगा, सर्विस फील्ड में नहीं रहेंगे तो मंथन नहीं चलेगा। क्यों? ईश्वरीय सेवा में रहेंगे तो मंथन चलेगा, ईश्वरीय सेवा में नहीं रहेंगे तो मंथन नहीं चलेगा, लौकिक सेवा में रहेंगे तो मंथन नहीं चलेगा। है बाप तो कहते हैं कर्म करते बाप की याद भी कर सकते हो, मंथन भी सेकेंडरी याद है, क्योंकि सर्वसेवुल बच्चों को बाप याद करते हैं। क्यों मंथन चलेगा? क्योंकि जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको बाप की याद की विशेष मदद मिलती है। सारी दुनिया बाप को याद करती है और बाप सर्विसेबल बच्चों को याद का बल देते हैं, तो उस याद में जरूर विशेष पावर होगी। बाप तो जानी जाननहार है ना, तो वो पावर बच्चों को मिल जाती है। मंथन करने की पावर कब मिलेगी? जब ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। जो जितनी जाती ईश्वरीय सेवा करेंगे उनका उतना ही ऊंच पद डिक्लेयर हो जाएगा। परमपिता परमात्मा शिववावा भगवान वाच, कृष्ण भगवान वाच नहीं, कौन भगवान वाच? परमपिता, पिताओं में सबसे बड़ा पिता, पिता पिता का भी पिता, माने एडम आदम का भी बाप। एडम आदम जो है वो धर्म पिताओं के भी बाप है, लेकिन उनका भी बाप सुप्रीम सोल परमपिता और परमात्मा दोनों मिलकर के बनते हैं शिव बाबा। परमपिता शिव का नाम है,
और परमात्मा बाबा का नाम है। बाबा बनता ही तब है, ग्रैंडफादर बनता ही तब है जब वो निराकार ज्योतिबिंदु साकार में प्रवेश करता है। परमधाम में ज्योतिबिंदु है तो शिव है, बिंदी का नाम शिव है, और साकार में है तो बाबा है। तो शिव बाबा भगवान वाच ये हर एक चित्र पर लिखा होना चाहिए क्या? वो बेसिक वाले इसका क्या अर्थ लगाएंगे? परम पिता परमात्मा शिव बाबा भगवान वाच बिंदु को हैं? वो बिंदु का चित्र रख देंगे, या तो बिंदु के नीचे ब्रह्मा बाबा का चित्र रख देंगे। तो ब्रह्मा बाबा का अगर चित्र रख देंगे तो कृष्ण भगवान वाच हो गया या शिव भगवान वाच हो गया? शिव तो वो वाच करता ही नहीं है जब तक कोई शरीर में प्रवेश करे नहीं। अगर ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके वो वाच किया तो कृष्ण भगवान वाच ही हो गया। कृष्ण भगवान वाच तो होता नहीं है। तो हर चित्र पर ये समझानी जहां लिखी हुई हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है शिव है, वो लिखना चाहिए क्या? क्या लिखना चाहिए? परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच, तो बुद्धि चलेगी कि गीता का भगवान आखिर है कौन, तो फिर कुछ कह नहीं सकेंगे, जानेंगे कि हम कहते तो हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम कर क्या रहे हैं? गीता का भगवान कृष्ण दादा लेखराज को ही बनाए रहे हैं। अब कृष्ण की सोल सतयुग में जन्म लेती है, सतयुग में कृष्ण बनती है, वहां तो वाच करने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो पतित तन में आते हैं। अगर ब्रह्मा का तन पतित कहे और उसमें शिव बाबा ने वाच किया तो कृष्ण भगवान वाच हो जाता है। तो ये गलती किसने की? शूटिंग पीरियड में भी गलती जिसने की, उनकी बुद्धि में देहधारी ब्रह्मा बैठा हुआ था। देहधारी ब्रह्मा बैठे होने के कारण उनकी बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन देहधारी पर चला गया। मुरलियों में लिखा होता था शिव बाबा याद है, और जिनका कॉन्सेंट्रेशन देहधारी के ऊपर था उन्होंने शिव बाबा से पहले क्या लिख दिया? पिता श्री शिव बाबा याद। पिता के बाद श्री लगा हुआ है, इससे ही साबित होता है कि वो पिता बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है, इस जन्म में श्रेष्ठ नहीं बनने वाला है। सतयुग में जाके जब जन्म लेगा राधा कृष्ण के रूप कृष्ण के रूप में, तब श्रेष्ठ बनेगी वो आत्मा। तो पिता श्री शब्द डालने से ही ये शूटिंग हो जाती है कि कृष्ण का नाम डाल दिया। शिव बाबा कौन हो गया? कृष्ण हो गया। तो ये हर एक चित्र पर लिखना चाहिए। अगर लिखा हुआ होगा तो फिर कुछ कह नहीं सकेंगे क्या कि ये शिव बाबा किसको मानते हैं। शिव बाबा जरूर कोई साकार होना चाहिए। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं हो सकता, शिव निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए, और वो निराकारी स्टेज वाला जो होगा वो ही बाप समान होगा। बाप समान होगा तो जो पहले बाप समान बनेगा उसी के साथ शिव का नाम मिला दिया जाएगा। 33 करोड़ देवताओं में से किसी के साथ शिव का नाम मिलाया नहीं जाता। किसके साथ मिलाया जाता है? शिव के साथ है, शंकर का नाम मिलाया जाता है। शिव शंकर को मिला के एक किया है। क्यों किया है? आत्मा ही तो अलग अलग है। शिव की आत्मा अलग है, शंकर की आत्मा अलग है। शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है, शंकर देवता कहा जाता है, देवताओं में बड़ा देवता कहा जाता है, महादेव कहते हैं। तो दो आत्माएं तो अलग अलग है, लेकिन जो महादेव कहा जाता है वो महादेव याद की ऐसी पराकाष्ठा को पहुंचता है कि शिव समान
बन जाता है, बाप समान स्टेज को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। आजकल की जो कंपनियां हैं उनमें भी क्या करते हैं, एंसंस कंपनी लिखते हैं ना, बाप का नाम पहले। तो यहाँ भी ये नई दुनिया बनाने वाली कंपनी है, पतितों को पावन बनाने वाली कंपनी है, चित्र बनाने वालों को बहुत इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उल्टा सुल्टा लिखते हैं तो बाबा समझते हैं कुछ खामी है, बच्चों का मूड ठीक नहीं होगा तो उल्टा सुल्टा लिखेंगे। हर एक बात में सुधार लाना चाहिए, क्या रिफाइनिंग करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारी गीता एक ही है बंधी हुई, नहीं, हमारी गीता में तो अल्टरनेशन करेक्शन होता ही रहता है। वेद का बाप आए ही है नई दुनिया बनाने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए आए हैं तो पुरानेपन को चेंज करेंगे ना, ये पुरानापन ही चलता रहेगा, नहीं श्रीमत पर नहीं चलेंगे, खड़े नहीं होंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो पुरुषार्थ में खड़े रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, गिर पड़ेंगे, क्योंकि पद कम हो जाता है। सर्विस कितनी भी करो लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने सेवा की, अरे मैं तो तमो प्रधान आत्मा हूं, मैं आत्मा कलयुग के अंत में अंतिम 84 जन्म लेकर के तमो प्रधान बनी हुई, मैं सेवा कैसे करूंगी। तमो प्रधान आत्मा तो जो भी करेगी क्या करेगी, डिसर्विस ही करेगी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी क्या करेगा, डिसर्विस ही करेगी। तो अपना अहंकार नहीं आना चाहिए, अपने अंदर निरहंकारीपना होना चाहिए कि बाप मेरे द्वारा सेवा कराते हैं, सर्विस करके अपना ही कल्याण करते हैं। अगर हमने सर्विस की भी है, बाप ने मुझे निमित्त बनाया भी है, तो कल्याण किसका होगा, बाप का कल्याण होगा क्या, मेरा ही कल्याण होता है। मैं जास्ति सर्विस करता हूँ ये अहंकार आने से गिर पड़ेंगे। बाप कितना निरहंकारी है बच्चों को देखना चाहिए, सब पर रहम करते हैं, क्या कहा, निरहंकारी की निशानी क्या बताई है, उनका कोई दुश्मन नहीं है, निरहंकारी निराकारी निर्विकारी, जब उनका कोई दुश्मन नहीं है तो सबके ऊपर रहम करते हैं। तो हमको भी क्या करना चाहिए, सबके ऊपर रहम, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब आत्मा आत्मा भाई, सब अपना पार्ट बजाए रहे हैं, जो जैसा पार्ट बजाता है वो अपने लिए बजाता है। हमें किसी के प्रति देह में बुखार नहीं आना चाहिए, मन के अंदर बुखार नहीं आना चाहिए। वैश्यों गणिकाओं भीलनियों सबका आकर के उद्धार करते हैं, बाप आकर देखते हैं किसकी चलन कैसी है, ये बेविचारणी है वैश्या है, नहीं बाप की बुद्धि में आता है वैश्या को देख करके नफरत आती है क्या, नहीं, बाप तो जानते हैं मेरा काम ही है क्या, पतितों को पावन, तो बच्चों का भी काम क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये वैश्य है ये पतित है ये गिरी हुई है ये धोखा दे सकती है, अरे धोखा भी देगी तो अपना भाग्य खराब करेगी, हमें क्या, हमें तो सेवा करनी है। तो बच्चों को अहंकार नहीं आना चाहिए, आकर के गणिकाओं की भी सेवा करते हैं। गणिकाएं क्या करती है, गणिका माने गीत गाने वाली, गीत गाती हैं किसके, भगवान के गीत गाती हैं, और रहती किसके साथ है, सारंगी तबला बजाने वालों के साथ, ता ता धिन्ना सुर में सुर उनके बिलाई देते हैं, वैश्या के साथ जो रहते हैं ना वो सुरताल मिलाने वाले होते हैं, जो कहा हाँ बहुत अच्छा कहा बहुत अच्छा कहा, और उसके पीछे लगे रहेंगे,
तो ऐसी सुरतार मिलाने वाले जो होते हैं उनको भी गणिकाएं जो है क्या करती हैं, उनको उनको ही अपने साथ रखती हैं। उनको अगर कोई विरोध करेगा कि तुम ये ठीक काम नहीं करती हो तो उनको अपने साथ नहीं रखेगी। ऐसी वैश्याओं के ऊपर भी बाप आकर के रहम करते हैं। क्या ये तो धोखा देना हुआ ना, है गीत गाना भगवान के, पब्लिक के सामने गीत किसके गाए, महिमा किसकी की, भगवान की महिमा की, और रहना किसके साथ, सुल्तान मिलाने वालों के साथ। तो कोई और आदमी होगा तो नाराज हो जाएगा, ये क्या करती है, ये तो बहुत धोखेबाज है। शुरू शुरू में हाँ तो वैश्याओं गणिकाओं भीलनियों, भीलनी किसको कहा जाता है, भीलनी कहा जाता है शूद्राणी को, क्या जो नीच जाति के होते हैं ना, वर्ण शंकर भी होते रहते हैं, उनको कहा जाता है भीलनी। भीलनी कहो भंगनिया कहो, तो बाबा को भंगनिया याद आ गई। बोला शुरू शुरू में एक मेहतरानी आई थी, कौन आई थी, मेहतरानी, शुरू शुरू में, कब कब की याद दिलाई है, यज्ञ की शुरुआत की, जब सत्संग शुरू हुआ तो एक मेहतरानी आई। अच्छा, जो आदमी आई सो तो अंत में एडवांस में भी आई होगी, आज में आई मेहतरानी, मच्छियों वाले भी आए थे, मछली पकड़ने वाले भी आए और मेहतरानी भी आई। फिर वो सर्विस छोड़ होटल पर जाए बर्तन मांजते हैं, और फिर दिवाली की खर्ची भी भेजी, होटल पे जाके सेवा की, किसने, बिलनी, वो बिलनी मारने भंगनिया ने भी, और मच्छी मच्छी मारने वालों ने भी, दिवाली की खर्ची भी बाबा के लिए भेजी। आगे चल करके देखेंगे ऐसे ऐसे आवेंगे जो सन्यासियों को भी बैठ करके ज्ञान देंगे, सन्यासी तो पवित्र होते हैं, पवित्र होने के कारण उनकी बुद्धि तो बहुत तीखी होती है, ढेर सारे उनके चेले बन जाते हैं, बुद्धि की तीव्रता के ऊपर फिदा हो जाते हैं। बाप कहते हैं आगे चलकर कि ये पता चलेगा, क्या कि ऐसी ऐसी भीलनियां और ऐसी ऐसी मच्छी मारने वाले भी ऐसे ऐसे सन्यासियों की सेवा करेंगे, माना भगवान के संपर्क में आने वाली भीलनी ही क्यों न हो, भंगिनी ही क्यों न हो, अगर थोड़े समय भी उसने अपनी बुद्धि को परमात्मा के प्रति अर्पण किया, मच्छी मारने वाला ही क्यों न हो, थोड़े समय भी अगर ईश्वर के प्रति अपनी बुद्धि को दान करता है, बुद्धि को परमात्मा की तरफ लगाता है, परमात्मा की तरह चलता है, उसकी मत पर चलता है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है इनसे, उन सन्यासियों के मुकाबले जो भगवान को जानते ही नहीं। ऐसे सन्यासियों को ऐसी पतित गिरी हुई आत्माएं भी बैठ करके ज्ञान सुनाएंगे। अभी तो माया अच्छे अच्छे को अहंकार में ले आती है, क्या कहा, उन भीलनियों की, उन मच्छी मियानी वालों की तो बात ही छोड़ दो, गणिकाओं की वैश्याओं की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जो अच्छे अच्छे हैं उनको भी अहंकार में ले आती है। बाबा जानते हैं कैसे कैसे गिर पड़ते हैं, पर तो मुश्किल में मुश्किल ही कोई उठते हैं, बच्चों की चलन से ही दिखाई पड़ जाता है कि ये कम काम करते हैं, मेहनत सारी इसी में है, याद नहीं कर सकते हैं तो उनसे फिर इतनी अच्छी सर्विस नहीं होती है। सारी मेहनत किसने बताई, यहां तो बहुत ख्याल चलना चाहिए, प्रदर्शनी पर ही मदार है, क्या
जो प्रदर्शनी दिखाते हैं, बेसिक नॉलेज में जड़ चित्रों की प्रदर्शनी दिखाते थे, एडवांस नॉलेज में कौन सी प्रदर्शनी तैयार करने के लिए बोला? चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी तैयार करने के बोला। माना पहले अपने ऊपर ध्यान देना है, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी वो तो बाहर बुद्धि चली जाती है, और चैतन्य चित्र की प्रदर्शनी में सबसे पहले अपना चेहरा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना। तो जब हमारा ही लक्ष्य है नर से नारायण बनना, तो पहले हम नारायण बन करके दिखाएं। हम नारायण बनेंगे तो जो भी देखेंगे उनके ऊपर स्वतः ही क्या असर पड़ेगा कि हम भी ऐसे बने, क्योंकि नारायण की कोई ग्लानि संसार में नहीं है। और देवताओं की ग्लानि है, नारायण की कोई ग्लानि नहीं। तो हम अगर ऐसे नारायण जैसे बन जाएंगे तो हमको कोई दुख देने वाला होगा ही नहीं, और हम किसी को दुख देने वाले हो नहीं सकते। तो सारा मदार प्रदर्शनी पर है, ऐसा चित्र तैयार करना है। ये सब नक्शे हैं क्या? ये जो चित्र बनाए हैं ये सब क्या है? नक्शे हैं, भांति भांति के नक्शे हैं। नारायण का चित्र न मिले लक्ष्मी से, लक्ष्मी का चित्र न मिले जगदम्बा से, चित्र तो अलग अलग है ना। बिना नक्शों को कुछ भी समझ नहीं सकते। क्या कहा, दुनिया वाले भी कब समझेंगे? जब ये चैतन्य नक्शे तैयार हो जाएंगे। कहते हैं ना, बड़ा नक्शेबाज तो नक्शा बनाएगा तो नक्शेबाज होगा। वो चैतन्य चित्र संसार में प्रत्यक्ष होंगे, अपना शो करेंगे, तो दुनिया भी उन बातों को, ज्ञान की बातों को समझेगी। प्रोजेक्टर में भी कुछ समझ नहीं सकते। क्या प्रोजेक्टर क्या होता है? जड़ चित्र होता है, बोलता चालता नहीं है। कोई कोई ऐसे होते हैं क्या, अपनी अवस्था तो बहुत अच्छी बना लेंगे लेकिन दूसरों को ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं सुना सकते, दूसरों को ज्ञान भी नहीं सुना सकते और किसी से नजर भी नहीं मिला सकते। बाबा की याद में रह करके किसी को दृष्टि दे ये भी नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गए? प्रोजेक्टर तो हो गए। बाप कहते हैं प्रोजेक्टर से भी कुछ समझा नहीं सकता, प्रोजेक्टर से उन्हें तो नहीं बनेगा कुछ किसी को समझाने के, उसमें तो शकल का ही पता नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं करते हैं कोई। क्या चैतन्य चित्र होगा तो कुछ पूछेंगे तो बतावेगा, और जड़ चित्र वो तो बतावेगा भी नहीं, और इसके अलावा बताने वाला साथ में होगा तो बतावेगा। जड़ चित्र को भी समझाने वाला साथ में कोई गाइड होगा तो बतावेगा, और प्रोजेक्टर शो में, प्रोजेक्टर शो तो उसमें मशीन रखी होती है वो बोलती है, प्रोजेक्टर शो स्वयं तो बोलता नहीं है। तो बोला प्रोजेक्टर में तो चित्र देख करके चले जाते हैं, तो बहुत बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, चलते फिरते स्थूल और सूक्ष्म दोनों का ख्याल रखना चाहिए। एक दो को नुकसान तो नहीं देते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं, इन बातों का ध्यान रखना है, कोई को भी नुकसान नहीं देना है। जो चाहिए सो मांग सकते हो, बच्चे नाराज नहीं हो, नहीं तो उसमें ही ख्याल चलता रहेगा, चल नहीं सकेंगे, घड़ी घड़ी बताना चाहिए बाबा हम कहाँ भी जरूरत है तो जा सकते हैं। क्या कहा, बाबा को ऑफर करेंगे ईश्वरीय सेवा के लिए, बार बार ईश्वरीय सेवा के लिए ऑफर करते रहेंगे तो बाबा भी ऑफरिंग देंगे। जो बच्चे ऑफर करेंगे उनको पहले ऑफरिंग देंगे या दूसरों को ऑफरिंग देंगे? जो खुद ऑफर करेंगे उनको ऑफरिंग देंगे, तो बाबा के ख्याल में भी रहेगा। इसलिए बच्चों को हर बात में सर्विसेबल होना चाहिए, फरमान बरदार वफादार होना चाहिए। क्या जो फरमान करे वो फरमान को मानने वाला बच्चा हो, और वफादार, वफादार होता है
पति पत्नी के संबंध में। पत्नी कैसी होनी चाहिए? वफादार होना चाहिए। जो पति के प्रति दिल खोल करके रख सके, वो दिल किसी और के सामने खोल करके न रखे। बच्चों को भी मदद करनी है। क्या, किसकी मदद करनी है? बच्चों को बाप की मदद करनी है। प्रदर्शनी में भी राजाई पानी है, हैं? प्रदर्शनी से राजाई मिल सकती है? प्रदर्शनी से प्रजा निकलती है या राजाई मिलेगी? प्रजा निकलेगी। तो प्रजा निकलेगी तो राजाई कैसे मिलेगी, हैं? प्रजा बनने से राजा। अरे ये बताया कि प्रजा तो लाखों की तादाद में जब निकलती है तब कोई राजा बनता है। प्रदर्शनी ने जो सुनाते हैं उस प्रदर्शनी से प्रजा निकलती है। तो ढेर सारी अगर जिसने किसी ने प्रदर्शनी सुनाई होगी और लाखों प्रजा निकाली होगी तो वो राजा, जब लाखों प्रजा निकलेगी तो वो राजा बन जाएगा। ये तो जड़ चित्र की बात हुई। अब चैतन्य चित्र, चैतन्य चित्र से भी जो देखेगा, जो चित्र को देखेगा चैतन्य चित्र को, वो स्वतः ही आकर्षित हो जाएगा। उसको कुछ सुनाने की भी दरकार नहीं रहेगी। तो बोला प्रदर्शनी से भी राजाई मिल सकती है, कोई कम बात है क्या? चंद्रवंशी वाले जो होंगे वो स्वर्ग नहीं देख सकते हैं। हेलो, क्या कहा? चंद्रवंशी वाले स्वर्ग नहीं देख सकते हैं। अच्छा, जो फेल हो जाते हैं वो क्या बनते हैं? चंद्रवंशी बनते हैं। यज्ञ के आदमी कौन फेल हो गया? राम फेल हो गया। तो राम फेल हो गया तो कराची में जो स्वर्गीय संगठन बना बना था ना 1947 में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, नरक के बीच स्वर्ग का नजारा बाबा ने बच्चों को दिया, नरक के बीच स्वर्ग की दुनिया बाबा ने बच्चों को बना के दी ना। हिंदू मुसलमान सब आपस में खून रेजी कर रहे थे और बच्चे थोड़े से वहां आराम से रहे पड़े थे। एक बाबा उनके सामने नजर में रहता था, एक बाबा को याद करते थे, दुनिया में दूसरा कोई याद ही नहीं आता था, तो अवस्था कैसी रहेगी, है? एकदम तापमोस्ट अवस्था थी, सतो प्रधान अवस्था थी जैसी सतयुग में होती है। तो राम फेल हो गया तो स्वर्ग देख सका, है? यज्ञ के आदि में जो स्वर्ग का सैंपल बाबा ने तैयार किया वो स्वर्ग देख सका, है? नहीं देख सका। न राम वाली आत्मा ने देखा और न सीता वाली आत्मा ने देखा। सीताएं भी दो होती है, एक सीता को रावण उठा ले जाता है, पंच तत्वों की बनाई जाती है, और एक सीता ओरिजिनल होती है जो योगाग्नि में रखी जाती है, तुम पावक में करो निवास। पावक माने अग्नि, तो वो योगाग्नि में बैठाई जाती है। तो जो भी सीताएं हैं नंबर वार वो स्वर्ग नहीं देख पाती, क्योंकि राम सीता फेलियर हुए ना, वो स्वर्ग नहीं देख सकते। अच्छा, वो राम सीता यज्ञ के आदि में फेल हुए या अंतिम नजारा जब होगा तब फेल हुए? आज में फेल हुए। ऐसा कोई है जो माया से फेल ना होता हो? ऐसा कोई है सत्युग की आत्मा जो त्रेता में आके चंद्रवंशी न बनती हो, है? सब बनती है। माना माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तो पहले फेल हो जाना वो अच्छा है या बाद में फेल हो जाना अच्छा? जो पहले फेल हो गए वो फायदे में रहे क्योंकि अनुभवी हो गए, फाइनल में फिर फेल नहीं होंगे। तो आदि में जो स्वर्ग का नजारा निकला उस स्वर्ग के नजारे में भले फेलियर होने के कारण नहीं जा सके, दोबारा आकर के जब जन्म लेते हैं तो वो आत्माएं लास्ट सो फास्ट चली जाती है। तो चंद्रवंशी वाले स्वर्ग नहीं देख सकते हैं।
तो फाइनल नजारे में जो चंद्रवंशी बनेंगे, क्या जो चंद्रवंशी बनते हैं वो स्वर्ग नहीं देख सकते? अच्छा, चंद्रमा स्वर्ग देखता है? नहीं। चंद्रमा कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा चंद्रमा है ना, वो स्वर्ग देखता है? नहीं। इन आंखों से देखता है? नहीं देखता। जब उनका बाप चंद्रमा ही, चंद्रवंशियों का बाप कौन है? चंद्रमा। वो ही स्वर्ग नहीं देखता है तो उसके बच्चे, बच्चे तो स्वर्ग देख ही नहीं सकेंगे। तो चंद्रवंशी जो होंगे वो स्वर्ग नहीं देख सकेंगे। अब यज्ञ के अंदर जो भी बेसिक नॉलेज में है वो चंद्रमा को याद करते हैं या ज्ञान सूर्य बाप को याद करते हैं? चंद्रमा को याद करते हैं। तो जितने जितने भी दीदी दादी दादा हैं चंद्रमा को याद करने वाले हैं, बाबा ने भले मुर्गियों में मना किया, चंद्रमा को याद नहीं करना, ब्रह्मा को याद नहीं करना, अगर याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे, माना तुम्हारा पद नीचा हो जाएगा। तो उन्होंने नहीं माना। नहीं माना तो अंजाम क्या होता है कि जो जो ब्रह्मा को याद करने वाले हैं वो शरीर छोड़ते हैं तो उनका अकाले मौत होता है। अकाले मौत होता है, शरीर छोड़ते हैं, फिर उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ रहा है। जैसे ब्रह्मा को सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा वैसे उनको सूक्ष्म शरीर धारण करके वो किसी में प्रवेश करेंगे, क्या प्रवेश करेंगे, लेकिन अपनी आंखों से स्वर्ग नहीं देख सकेंगे। तो चंद्रवंशी वाले स्वर्ग नहीं देख सकते हैं। कम पढ़ाइए तो सतयुग में जा ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा जी सतयुग की बात करते हैं वो 16 कला संपूर्ण सतयुग की बात करेंगे, माना उससे भी ऊंची कोटि का जो संगमी भी स्वर्ग है उसकी बात करते हैं, नर से नारायण बनने वाले संगम युग की बात करते हैं स्वर्गीय सुख की, या उस स्थूल सुख की बात करते हैं? बाप जो लक्ष्य देते हैं वो तो उस जीवन का लक्ष्य देते हैं जिसका गायन और पूजन द्वापर युग में भी होता है। द्वापर युग में सतयुग के नारायणों का कोई गायन पूजन है? सतयुग के नारायणों का कोई गायन पूजन नहीं। वहां जो भी गायन पूजन सतयुग में वो द्वापर कलयुग में होता है वो संगम युग की संपन्न स्टेज का होता है। तो संगम युग की संपन्न स्टेज में परमात्मा बाप ने आकर के जो ज्ञान सुनाया और ज्ञान सुना के संपन्न बनाया, वो संपन्न होने के बाद वो आत्माएं संपन्न स्टेज के आधार पर जो चित्र तैयार करती हैं अपना, उसकी महिमा गायन पूजन शास्त्रों में द्वापर युग से होता है। तो कम पढ़ाई है तो सतयुग में नहीं जा सकते, पढ़ाई पूरी है तो सतयुग में जा सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि संगम युग स्वर्ग में कितनी आत्माएं जावेंगी? 4.5 लाख जावेंगी। बाकी जितने भी होंगे वो सब स्वर्ग में जाके जन्म लेंगे। संगम युग स्वर्ग है जो बाप आकर के तैयार करते हैं, बाप आकर के जहां वर्षा देते हैं वो स्वर्ग बच्चे के रूप में जन्म लेने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको प्राप्ति किससे होगी? उनको प्राप्ति भगवान से होगी या देवी देवताओं से होगी? देवी देवताओं से होगी। तो फर्क पड़ जाएगा। बाप ने जो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य दिया है, ऊंचे से ऊंचे बाप ने, वो प्राप्ति के लायक नहीं बन सकेंगे। तो जरूर उन्होंने कम पढ़ाई पढ़ी होगी, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, बीच में चले गए, तो बीच में चले जाने के कारण उनको प्राप्ति भी अधूरी होती है। कम पढ़ाई वाले सतयुग में जा नहीं सकेंगे। बच्चों को तो नई दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। क्या कहा है? कौन सी नई दुनिया? कोई कहे सतयुग का दूसरा जन्म भी तो नई दुनिया है। अरे कुछ न कुछ पुराना तो हुआ। कोई कहेंगे पहला जन्म सतयुग का, जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे बनेंगे, वो भी तो नई दुनिया है। संगम नई दुनिया तो है, 16 कला संपूर्ण तो है,
लेकिन उतरती करा का युग है क्या? जैसे ही राधा कृष्ण गद्दी पर बैठेंगे उनके हाथ में सत्ता आवेगी और वैसे ही उतरती कला शुरू हो जाएगी। तो वहां जन्म लेने वाले भी श्रेष्ठ नहीं हुए। तो तुम बच्चों को तो नई दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कहां जाने के लिए पुरुषार्थ करना है? हद के स्वर्ग में या बेहद के स्वर्ग में? हद के स्वर्ग में तो चले ही जावेंगे अगर बेहद का पुरुषार्थ संपन्न होगा। बेहद का स्वर्ग कौन सा होता है? संगम में। हाँ, उसकी परिभाषा बताओ कि बेहद का स्वर्ग क्या है? स्वर्ग का अर्थ क्या बताया? स्व माने आत्मा, ग माने गई। जो आत्म की स्टेज में चला जाता है वो ही संगमी की स्वर्ग में आ सकता है। अगर आत्म की स्टेज ना पकड़ी, कुछ न कुछ देहभान रह गया और शरीर छूट गया, तो जाकर के कम कलाओं वाले स्वर्ग में जन्म होगा। तो जो बेहद के स्वर्गवासी बनेंगे वो बेहद के स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे, और बेहद के पुरुषार्थी स्वर्गवासी बनने के नहीं बनेंगे तो वो स्वर्ग में भी जाने में घाटा पड़ेगा। तो नई दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है, प्रदर्शनी में ध्यान रखना चाहिए कि कोई नुकसान आदि करने वाला तो नहीं है क्या? कोई कोई प्रदर्शनी में ऐसे घुस पड़ते हैं कि चित्रों की तोड़ फोड़ कर देते हैं क्या? करते हैं कि नहीं? हाई समाधि वगैरह घुस पड़े, बेसिक नॉलेज में जब चित्रों की प्रदर्शनी दिखाई जा रही थी तो उन्होंने चित्रों में आग ही लगा दी। तो क्या ध्यान रखना पड़े कि चित्रों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अच्छा, वो तो जड़ चित्रों की बात हुई, या फिर चैतन्य चित्रों की बात है। नंबर वार चैतन्य चित्र संसार में प्रत्यक्ष होंगे, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं। तो जो भी चैतन्य चित्र प्रत्यक्ष होते हैं नंबर वार, उनके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए उनकी सुरक्षा का, क्या कि उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे। अभी तो तुम्हारे सब दुश्मन हैं क्या? ऐसे नहीं कि सिर्फ आर्य समाज ही दुश्मन है या बाहर की दुनिया वाले ही दुश्मन हैं या ब्राह्मणों की दुनिया में जो यादव और कौरव संप्रदाय है वो ही दुश्मन है? नहीं, अभी तो एडवांस पार्टी में भी दूसरे धर्म की बीज उपात में जो घुसी है वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन, बहुत दुश्मनी कर रही है। देखो, बेसिक नॉलेज में एडवांस पार्टी का बेसिक नॉलेज वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। 75 से एडवांस पार्टी शुरू हुई और तब से लेकर के 98 तक, 77 में संपूर्णता वर्ष और 98 तक कितने साल हुए? 21 सालों में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करता था। और 98 में अगर किसी ने बिगाड़ किया तो अंदर वाले ने किया या बाहर वाले ने किया? अंदर की एडवांस पार्टी वाले ही दुश्मन बन गए। वो प्रदर्शनी के अंदर घुस गए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई ऐसे तो नहीं घुस गए, सब तुम्हारे दुश्मन है, अंदर वाले भी बाहर वाले भी। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, फिर बाद में सारे ही मित्र बन जाएंगे। क्या क्या बोला? सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं भूलना, ये है सब। क्या भले दुश्मन बनती रहे, हमारा हम समझेंगे हमारा दुश्मन कोई है ही नहीं। जब बाप हमारा मित्र है तो सब आत्मा आत्मा हमारे भाई भाई है। तो साहब अपना अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं, रिजल्ट देखो, हिसाब किताब तो है ना? क्या हिसाब किताब?
अरे कृष्ण को किसी ने जेल में डलवाया हो, कृष्ण नए पूर्व जन्म में राजा बना होगा जब कृष्ण, तो किसी को जेल में डलवाया होगा तो वो हिसाब किताब नहीं पूरा करेगा है? राजा है तो बहुत उल्टा उल्टा काम करते थे, सत्य असत्य कुछ भी नहीं देखते थे, अपनी मनमानी करने लग पड़ते थे। तो अगर जिन्होंने कुछ ऐसा किया होगा तो अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे ही ना, तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है। पूर्व जन्म में किसी ने, राजा ने अपने राज्य में से किसी को नाजायज तरीके से धक्का देके बाहर निकाला होगा तो उसका हिसाब किताब नहीं होगा पूरा है। तो संगम युग में इस समय जो अपने आश्रम की चार दीवारी से धक्का दे करके बाहर निकाल लेते हैं, सच्ची बात सुनाने पर भी बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या समझना चाहिए? ये हमारे दुश्मन नहीं है, वास्तव में इनके साथ पूर्व जन्म में हमने दुश्मनी की थी क्या? इस जन्म में से ये हमारे भाई है, ये इस बात की यानी की गहराई को नहीं समझते हैं। जब समझ जाएंगे तो ये भी हमारे सहयोगी बन जाएंगे। तो अभी तो तुम्हारे सब दुश्मन है, फिर बाद में तुम्हारे सारे ही मित्र बन जाएंगे। क्या जो अभी जानलेवा दुश्मन है वो तुम्हारी जान के रक्षक बन जाएंगे। क्या दिखाते हैं? विष्णु जब शेषशाही सैया पर सोया हुआ होता है, लेटा हुआ होता है, तो उसकी रक्षा करने वाले कौन दिखाए जाते हैं? नाग, सर्प। सर्प तो डस लेता है तो आदमी मर जाता है, है? तो ऐसे सर्प भी जो जानलेवा दुश्मन होते हैं वो भी रक्षा करने वाले बन जाएंगे। कृष्ण को क्या दिखाते हैं? सर्पों के सर के ऊपर डांस करता हुआ दिखाते हैं। क्या वो सर के ऊपर डांस करता है? इसका क्या मतलब हुआ कि सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। तो ये सब तुम्हारे दुश्मन है, फिर बाद में सारे ही मित्र बन जाएंगे। देखेंगे कि अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं तो भक्ति मार्ग वालों का ज्ञान सुनना बंद कर देंगे, भक्ति मार्ग में लोग चलना ही बंद कर देंगे। भक्ति कहां से आती है? रावण से भक्ति आती है। तो समझ जाएंगे ये भक्ति हमारे लिए नुकसानदायक है, हम गलत रास्ते पर हैं, ये जो सच्चा ज्ञान सुनाती है यही सच्चाई है, इसी रास्ते पर चलना चाहिए। जब भक्ति मार्ग में चलना बंद कर देते हैं तो जिनको समझ में नहीं आता है वो फिर तुम्हारे दुश्मन बनते हैं, तुम्हारे दुश्मन बनते हैं। बाप समझाते हैं कि ऐसे ही तो ज्ञान में आकर विघ्न पड़ेंगे, मैं जो हूं जैसा हूं कोई भी नहीं जानते, मेरे साथ में रहने वाले बच्चे भी मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते, दुनिया में तो किसी को भी पता नहीं है मैं क्या हूं और कैसा हूं और क्या पार्ट बजाता हूं। दुनिया वालों की जानने की तो बात ही नहीं, कौन सी दुनिया वाले, बाहर की दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ दो, ब्राह्मणों की भी संगमी की दुनिया में जो बेसिक नॉलेज वाले हैं वो भी नहीं जानते। अच्छा उनकी भी बात छोड़ो, एडवांस पार्टी में भी मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ सोने वाले, मेरे साथ खाने वाले खेलने वाले वो भी मेरे को नहीं जानते। ओम शांति। आज है 15/11 66 का प्रातः क्लास, रिकॉर्ड चला है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। पहले पहले मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पॉइंट समझनी है और फिर समझानी है। क्या कोई भी पॉइंट बाबा बोलते हैं मुरली में तो पहले क्या करना चाहिए? खुद समझना है और फिर दूसरों को समझाना है, तो ज्यादा गहरा अच्छा असर पड़ेगा। जैसे बेसिक नॉलेज में हम पॉइंट सुनते रहे, क्या परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो फटाफट दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया,
क्या सुनाया? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हरैया लगा दी चारों तरफ। लेकिन ये बुद्धि में नहीं आया क्या क्या है? सर्वव्यापी नहीं है तो आखिर एक व्यापी कहाँ है? ब्रह्मा बाबा ने तो सर ही छोड़ दिया। क्या गुलजारदादी में सर्वव्यापी है, एक व्यापी है? अरे गुलजारदादी तो नारी चोला है, भगवान का रूप तो भक्ति मार्ग में भी कहीं नारी चोले के रूप में तो दिखाया नहीं गया। तो ये कभी बुद्धि नहीं चली, इस बात की गहराई को समझा ही नहीं। तो बाप क्या कहते हैं, पहले हर पॉइंट की गहराई को खुद समझना है, फिर दूसरों को समझाना है। खुद समझ करके दूसरों को समझाएंगे तो लोगों को पर असर पड़ेगा। जैसे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है, शिव भगवान वाच होनी चाहिए। अरे हमने कहना शुरू कर दिया, समझाना शुरू कर दिया, क्या गीता का भगवान शिव नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, शिव है, और शिव का चित्र बना के रख दिया ज्योति बिंदु। अब ज्योति बिंदु कैसे वो वाच करेगा? कभी सोचा? ध्यान में ही नहीं आया। अगर कृष्ण भगवान वाच नहीं है तो कृष्ण दादा लेखराज का चित्र क्यों रखा जा रहा है? जो कृष्ण दादा लेखराज का चित्र ही रख रहे हैं, ऊपर शिव और नीचे दादा लेखराज कृष्ण का चित्र रख देते हैं, इसके मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? कृष्ण भगवान वाच साबित करना चाहते हैं। ये भी तो रंग हो गया। तो जब हम खुद ही रंग समझे हुए हैं तो दुनिया हमारी बात को कैसे मान लेगी? क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं? आज तक दुनिया के लोगों ने, भक्ति मार्ग के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? तो जब हम खुद ही गहराई तक नहीं समझे हुए हैं, 100% बात की गहराई को नहीं समझा है, तो हम दूसरों को भी समझाने लायक नहीं बन सकते। पहले पहले मुख्य समझानी किस बात की देनी है? पहले पहले क्या समझना है? है? बाप को समझना है। बाप को अगर पूरा समझ लिया है तो हम दूसरों को भी बाप की समझानी दे सकते हैं। क्या समझना है बाप के बारे में? कि बाप बिंदु है। अरे बुद्धि में तो आना चाहिए बाप बिंदु है, और सारी दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, ये कीड़े पशु पक्षी पतंगे आदि आत्माएं हैं, वो बिंदु नहीं है? वो भी तो बिंदु है। तो बाप बिंदु और सब कीड़े पशु पक्षी और मनुष्य सब बिंदु, तो फिर अंतर क्या हुआ? फिर बाप को ऊंचते ऊंचे कैसे कहे? कहेंगे तो बिंदु सबसे ऊपर रहता है, परम नाम में सबसे ज्यादा ऊपर रहता है, तो हमारी इतना ऊपर रहता है कि हमारी बुद्धि उस परम धाम में ऊपर उसको याद करने में पहुंचती नहीं। तो ऐसी ऐसी बुद्धि में बातें आती रहती हैं जिनका आगा पीछा कुछ भी होता नहीं है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख फील होना चाहिए, इतनी गहरी समझानी बुद्धि में आए कि अतीन्द्रिय सुख अनुभवों में आने लगे। जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान है, क्या निश्चय करते हैं कि और भी जितने भी हुए हैं 84 जन्म में, वो हमारे हद के बाप थे, और धर्मों के भी जो धर्म पिताएं हैं वो भी सब हद के बाप हैं। जैसे आज दुनिया में क्रिश्चियंस की संख्या बहुत ज्यादा है, 100-150 करोड़ क्रिश्चियंस हो गए हैं, फिर भी वो भी हद का बाप था क्रिश्चियंस का। कौन? क्राइस्ट। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो भी है, उन सब का बाप तो एक ही है, शिव बाप। और वो शिव बाप इस संसार में आकर जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है, उवाच करता है, शिव भगवान वाच कहा जाता है ना, कृष्ण भगवान वाच नहीं। शिव क्या करके सुनाते हैं? कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो जो गीता ज्ञान सुनाते हैं, उस गीता ज्ञान का, गीता तो माता हो गई,
तो गीता ज्ञान जो सुनाने वाला है वो क्या हो गया? गीता पति हो गया। पति साकार में होना चाहिए या निराकार में होना चाहिए? साकार में होना चाहिए। वो कह देंगे दादा लेखराज ब्रह्मा। तो दादा लेखराज ब्रह्मा अगर है, गीता पति हो गया, तो फिर गीता माता कौन हुई? कहेंगे जगदम्बा सरस्वती। अरे जगदम्बा सरस्वती का जो ने जो ज्ञान सुनाया वो ज्ञान था क्या? उस ज्ञान की बात है? नहीं, जगदम्बा सरस्वती ने जो ज्ञान सुनाया वो परमात्मा बाप जगदम्बा में प्रवेश करके ज्ञान नहीं सुनाते। ब्रह्मा में प्रवेश करके सुनाया, इसका मतलब ये है कि वो नाम पड़ा ब्रह्मा माने बड़ी माँ है, सब धर्म ग्रंथों की माँ है। उससे बड़ा धर्म ग्रंथ और कोई नहीं हो सकता। वो सारे जगत की माँ है माने ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी आई है और ब्रह्मा का जो रूप है वो गीता माता का टाइटलधारी कहा जा सकता है। कौन? दादा लेखराज। वो टाइटलधारी है तो असली गीता माता कौन? असली गीता माता वो दादा लेखराज ब्रह्मा ने जिसके द्वारा अपने साक्षात्कारों का अर्थ सुना। समझा नहीं? सुना। क्योंकि ब्रह्मा मुखवंशावली बनना जरूरी है। तो दादा लेखराज जो टाइटलधारी ब्रह्मा बना उस माता के जाने के बाद उसके द्वारा गीता आई हमारे सामने। वो गीता टाइटलधारी भी शरीर छोड़ जाती है। जब टाइटलधारी गीता शरीर छोड़ती है तो जो यज्ञ के आदि की ओरिजिनल गीता है वो फिर यज्ञ में आती है। गीता माता बनती है, माता स्वयं ही बन जाती है या कोई उसको माता बनाता है? बनाता है। माँ की तो रचना की जाती है। कौन रचना करता है? बाप ही, पति ही जो है वो पत्नी को स्वीकार करता है। बच्चे थोड़े जानते हैं कि ये मेरी माँ है। बच्चे नहीं जानते, बच्चों को बताया जाता है कि इसको बाप ने स्वीकार किया है इसलिए तुम्हारी माँ है। और कोई पहचान नहीं मिलती उनको, वो सिर्फ यही पहचान है कि बाप ने स्वीकार किया माने ये हमारी माँ है। तो वो माँ गीता माता यज्ञ के आदि में भी थी और यज्ञ के अंत में भी, एडवांस पार्टी जब शुरू होती है तो भी गीता माता होती है। पहले छोटी बच्ची के रूप में है, बाद में जब सरेंडर होती है तो सबसे पहले कन्यादान में आगे जाने वाला स्वरूप कौन सा खून होता है? पंजाबी निकलता है। इसलिए बोला कन्यादान में पंजाब की धरणी आगे चली गई। अरे संतरासवी त्रासी में ही कन्यादान हुआ पंजाबियों के द्वारा, उससे पहले कोई कन्या यज्ञ में अर्पण ही नहीं हुई है? नहीं हुई। अरे चंद्रमणी दादी वगैरह ये सब का पंजाब की नहीं थी क्या? और ढेर सारी जो बेसिक नॉलेज में कन्या अर्पण हुई बैठी है तो वो सरेंडर नहीं हुई थी क्या? हाँ सरेंडर तो हुई लेकिन वो माँ के प्रति सरेंडर हुई थी है? वो भी टाइटलधारी माँ के प्रति सरेंडर हुई थी। बाप को पहचाना ही नहीं तो फिर सरेंडर होने की तो बात ही नहीं। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया ही जाता है 76। 36 में बाप प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं था। आत्मा आती है गर्भ में प्रवेश करती है तो उसे प्रत्यक्षता रूपी जन्म कह सकते हैं क्या? है? आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, 3-4 महीने का गर्भ तैयार होता है, आत्मा प्रवेश करती है तो उसे जन्म कहा जाता है क्या? नहीं, नहीं कहा जाता। पता ही नहीं चलता कब आई कब नहीं आई। तो ऐसे ही सुप्रीम सोल शिव
सन 36 में कब आया ये किसी को एक्यूरेट पता ही नहीं चलता। वो तो प्रवेश हुआ लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ। पहली बार संगम युग में वो बाप कब प्रत्यक्ष होता है? 76 में। 76 में भी प्रवेश ही कहेंगे, एक्यूरेट टाइम का पता नहीं चलता, तिथि तारीख नक्षत्र घड़ी का पता नहीं चलता। तो कब पता चलता है? जब बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष, अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता। तीन मूर्तियां भी प्रत्यक्ष होती है और तीन मूर्तियों के साथ साथ अष्टदेव भी प्रत्यक्ष होते हैं। बाप अपनी प्रत्यक्षता पहले करेगा या पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा? बच्चों को। सन सोल्स फादर, फादर सोल्स सन्स। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, तो कौन अपना काम पहले पूरा करेगा? बाप। सर्वशक्तिमान है, वो अपना काम पहले पूरा कर लेगा। बच्चे भले ढेर सारे हैं लेकिन नंबरवार बच्चे हैं, इसलिए वो पहले बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो बाप छुपा रुस्तम बन करके अंत तक गुप्त रहता है और पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। जब बच्चों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है तो असली प्रत्यक्षता हो जाती है, लेकिन उसकी शुरुआत होती है कब? 76 से। 76 है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में रात्रि के 12 बजे का समय। कौन पहचानते हैं बाप को? स्वदेशी या विदेशी? विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। तो जब पहचानते हैं, उनकी बुद्धि तीखी होती है ना, तो तीखी बुद्धि के कारण वो समझ लेते हैं कि दुनिया में सूर्य का उदय रात के 12 बजे से ही होने लगता है। क्या भले सुबह 5 बजे 4 बजे सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उदय तो हो चुका होता है ना। उदय होना कब से शुरू होता है? पृथ्वी के दूसरी तरफ चला गया सूर्य तो घोर अंधेरा हो गया, अब दूसरी तरफ से इस तरफ उतरना उठना शुरू हुआ, उदय तो होना शुरू हुआ। तो जब से शुरू हुआ तभी से दिन की शुरुआत कहना चाहिए ना, भले दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं कि सूर्य निकलता है, बादल आ जाते हैं सामने, सूर्य उदय नहीं दिखाई पड़ता। तो क्या सूर्य उदय हुआ? नहीं, उदय तो हुआ, उसकी किरणों का प्रभाव नहीं पड़ता। जो किरणें हैं वो सन्मुख नहीं आती। तो भारतवासी कब मानते हैं? जब सूर्य देखने में आता है। और विदेशी, विदेशियों का तीसरा नेत्र ज्यादा तीखा होता है, बुद्धि बहुत तीखी होती है। तो बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर उन्होंने दिन की शुरुआत रात के 12 बजे मानते हैं। ये संगम युग से कनेक्टेड बात है। संगम युग में ही विदेशी आत्माओं ने जो दूसरे दूसरे धर्म के बीज हैं, मूल बीज, उन्होंने बाप को पहचान लिया, इसलिए बाप का प्रत्यक्षता वर्ष सन 76 मनाया गया। तो सन 76 हुआ बाप का प्रत्यक्षता वर्ष और 77 को बनाया गया संपूर्णता वर्ष। क्या? संपूर्णता वर्ष। उसके बाद और आत्माएं एडवांस पार्टी की निकलना शुरू होती है। तो जब निश्चय करते हैं कि हम वेद बाप की संतान हैं, तो बच्चे बनते हैं। बस एक ही बात सुनो जिससे की प्राप्ति होती है। तुम जानते हो हम जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, वो है ही नई रचना। तो पहले पहले सबको ये निश्चय कराना है कि यह तुम्हारा बाप है। हम खुद भी निश्चय करें कि जब संगम युग चलता है तो ब्रह्मा बाप भी होना चाहिए। चाहे ब्रह्मा बाप हो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो, होना जरूर चाहिए। ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी बन सकता है लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी नहीं बन सकता। तो प्रजापिता ब्रह्मा को हमने पहचाना, माने बाप को पहचाना। दूसरों को भी बताना है ये तुम्हारा बाप है,
बाप के नीचे ठीक है विष्णु। क्या कहा है? क्या बोला? बाप के नीचे ठीक है विष्णु, और विष्णु के नीचे ब्रह्मा। तो इस मुरली के महावाक्य से क्या साबित हो गया कि त्रिमूर्ति जो है, जो सूक्ष्म वतन में तीन पुरियों में त्रिमूर्ति दिखाई गई है, उनमें बाप कौन हुआ? जो विष्णु के ऊपर जो मूर्ति दिखाई गई है वही बाप हुआ ना। जो देवताओं में बड़ा देवता माना जाता है, महान देवता माना जाता है, वही बाप हुआ। तो बाप के नीचे ठीक है विष्णु, बाबा ने त्रिमूर्ति की तरफ इशारा किया। क्या? जो तीन पुरियों में तीन देवताएं दिखाए गए उनकी तरफ इशारा किया। ये है बाप से विष्णुपुरी का वर्षा। क्या? विष्णुपुरी है वर्षा, तो बाप ऊपर होना चाहिए, वर्षा ऊपर होना चाहिए, बाप होना चाहिए ऊपर। तो बाप हुआ शिव शंकर भोलेनाथ, और विष्णु हुआ बाप का वर्षा। ओम शांति।